बात बहुत अच्छे से बताई थी कि मेरे को ये चीज़ रिसीव हुई है और इसे मेरे को रिटर्न करना है, तब आप लोगों ने ये नहीं बोला कि मैम। हे गाइस, दिस इज कुमराशु, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त मस्त हो गए। हमें हमेशा मस्त मस्ती रहना चाहिए। कैसे आप मीशो के काफ़ी सारी वीडियोस देखते होंगे, आपने मेरी भी काफ़ी सारी वीडियोस देखी है मीशो की। मैंने हॉल वीडियोस बनाई है, शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं, और मैंने आपको स्कैम के बारे में भी एक बार बता चुकी हूँ मैं। और आपने काफ़ी सारी और भी वीडियोज़ देखी होगी जिसमें आपने सोचा होगा इतना अच्छा प्रोडक्ट ये तो मैं लेने की सोच रही थी, अब मैंने देख लिया, अब मैं ले लेती हूँ। ठीक है, आपके साथ हुआ होगा। तो गाइस, काफ़ी सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं लेकिन कोई ये नहीं बताता कि एक्चुअल में मीशो कितना ज्यादा स्कैम करता है, फ्रॉड करता है। तो उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूं। और एक चीज मीशो ने मेरे साथ इतनी घटिया करी है वो मैं आपको बताऊंगी, आप शॉक्ड हो जाओगे, वो मैं आपको थोड़े टाइम बाद बताऊंगी। पहले मैं आपको बताती हूं कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। मैंने मीशो से गाइस ये ऑर्डर किया था, यहां पे आपको स्क्रीनशॉट दिख जाएगा। एक कुर्ता सेट था 531 रुपीज का, और ये जीविका करके कुछ सप्लायर का नेम वेम है, इससे कभी मत लेना, बहुत गंदे सप्लायर है ये, सारा फ्रॉड इनकी तरफ से हुआ है आई एम श्योर। और ये मेरे को उस पार्सल की जगह पे रिसीव हुआ है, और वो ये है, मैंने ऑर्डर किया था कुर्ता सेट और मुझे रिसीव हुआ ये फटी चिटी साड़ी, घटिया सी, और पूरी भी नहीं है इतनी साड़ी है, पूरी लंबी है लेकिन आधी आधी नीचे की साड़ी मेरे को रिसीव हुई है, ये देखो, और वो भी पूरी बहुत गंदी तरह से, इससे इतनी गंदी स्मेल भी आ रही है, और ये मुझे रिसीव हुआ है। मैंने बहुत बार गाइस रिटर्न का, एक्सचेंज का सबसे पहले डाला था, फिर मैंने रिटर्न का डाला, इतनी कॉल्स की, कंप्लेन किया, ऑलमोस्ट 14-15 डेज हो चुके हैं मुझे इसे रिटर्न करने के लिए, कंप्लेन डालते डालते एक दिन में मैं 3-4 बार कॉल कर रही हूँ मीशो को कि मेरे साथ ये हुआ है, ये हुआ है, आप रिटर्न करवा दो। पहले मुझे लगा हो जाएगा बट नहीं हुआ, मैंने बहुत बार रिटर्न डाली। एक बार डिलीवरी बॉय आया इसे लेने के लिए, एक तो डिलीवरी बॉय भी इतनी बदतमीजी से बात करता है, कहता है ये क्या दे दिया आपने मेरे को, वो दो जो आया था। मैंने कहा वो नहीं आया भैया, ये आया है, वही दे रही हूँ मैं आपको। तो उन्होंने बोला ये नहीं होगा, लेके जाओ इसे। इस तरीके से वो डिलीवरी बॉय भी बात करते हैं, और एक बार वो लेके चले गए, उसके बाद मुझे ये वापस दे के गए हैं और बोला कि मैम ये नहीं हो रहा है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया मीशो के, और मैंने बोला कि वो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, मेरे को पार्सल दे रहे हैं। तो उनके स्टाफ ने बोला मैम आप ले लो, हम वापस से आपकी कैंसिल की रिक्वेस्ट, वो रिटर्न की रिक्वेस्ट डाल देंगे, फिर वो हो जाएगा। उनको मैंने कम से कम, गाइज मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दूंगी, मैंने कम से कम 50 बार कर दिया होगा रिटर्न रिटर्न रिटर्न, 50 से 100 बार कॉल कर दिया होगा इनको, लेकिन ये रिटर्न नहीं हुआ, बार बार उधर से कैंसिल हो जा रहा है, और कैंसिल के साथ मुझे ये मैसेज हो रहा है एज़ पर योर रिक्वेस्ट वी कैंसल्ड रिटर्न, लेकिन मैंने कोई कैंसिल नहीं करा, मैं इसको क्यों कैंसिल करूंगी। सेकेंडली गाइज, इन्होंने मेरे साथ पता है क्या किया है, मैंने इनको इतना कॉल पे बोला और अभी 15 दिनों के बाद ये मेरे को ये बात बोलते हैं कि मैम आपका जो है ये प्रोडक्ट, इसको गार्बेज बोलते हैं और ये अब रिटर्न नहीं होगा, आपको 4 दिन के अंदर हमें बताना था कि इसको रिटर्न करना है। एक ने बोला 4 दिन के अंदर, एक ने बोला 2 दिन के अंदर, इस तरीके से ये मेरे को पागल बना रहे हैं। मैं आपको अभी आगे कॉल रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगी, मैंने जस्ट अभी इनको कॉल करा था, रिक्वेस्ट डाली थी, वो भी मेरे अनदर दूसरे ऑर्डर से, जानबूझ के मैंने वो ऑर्डर किया, और मैंने ये किया कि ये लोग मेरे को कॉल तो करेंगे कम से कम, तो मैं उस प्रोडक्ट का नाम ले दूंगी। अब आपको मैं बताऊं ऐसा मुझे क्यों करना पड़ा, क्योंकि जो ऑर्डर मैंने किया था उसको मेरे ऐप के ऑर्डर लिस्ट से ही उड़ा दिया गया है कि मैं इनको कॉल ना कर पाऊं, मैं इनको कुछ भी ना कर पाऊं। जो ऑर्डर पे हम जाते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया है, वहाँ से उस वाले ऑर्डर को इन्होंने पूरा उड़ा दिया है। मीशो पे ऑप्शन तो होता नहीं है गाइस कि मैं डिलीट कर सकूंगी, इन्होंने पूरा उसको डिलीट कर दिया है ऑर्डर लिस्ट है मेरे, ताकि मैं कॉल ना कर सकूं। अभी मैं कॉल पे बता रही हूँ कि मेरा ऑर्डर है, तो कहती है इस तरह का कोई ऑर्डर ही नहीं है, हमारी तरफ से डिलीट नहीं होता, एंड ब्ला ब्ला क्या क्या बोल रही हैं। तो इन्होंने मीशो ऐप से ऑर्डर तक कस्टमर का उड़ा दिया है, ताकि हम इन्हें कॉल ना कर पाए, हम कंप्लेन ना कर पाए, और इन्होंने पूरा फ्रॉड कर दिया है, बहुत घटिया। और ये सप्लायर को मैंने जब इतनी बार रिक्वेस्ट डाली रिटर्न की बार बार कैंसिल कर दिया है कि कैंसिल रिक्वेस्ट बाय सप्लायर, इस तरीके से आता है। इस सप्लायर जो भी जीविका करके स्क्रीनशॉट मैंने लगाया था यहाँ, इनसे कभी भी बाय मत करना। इवन मैं तो बोलूँगी कि मीशो ऐप बहुत ही घटिया है, कई बार अच्छी चीज़ें रिसीव होती है बट ऐसे जब आपको कोई ख़राब चीज़ रिसीव हो जाती है ना, उसको वो लोग रिटर्न नहीं करते। एक बार को अगर ख़राब चीज़ रिसीव हो रही है तो हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न अगर हो जाए तो ऐप अच्छा है, लेकिन जब ऐसी चीज़ें भेजने के बाद हमको उल्टा ये कह रहे हैं कि गार्बेज ही रिटर्न नहीं होता, 4 दिन के अंदर आप हमें कॉल करो या कंप्लेन डलवाओ। मैंने जिस दिन मुझे रिसीव हुआ ये, उसके 10 मिनट में ही मैंने सारी कंप्लेन कर दी कॉल करके कि मुझे ये रिसीव हुआ है और मेरे को ये
रिटर्न करना है। लेकिन इन्होंने मेरे को तब बोला कि मैम हो जाएगा, अभी ये जब 14 और 15 दिन हो गए तब ये मुझे बोल रहे हैं कि ये रिटर्न नहीं होगा। तो गाइस ये इस तरीके से ऐसी चीज़ें करते हैं, मेरे पैसे जो है ये खा चुके हैं, फ्रॉड हो चुका है, अब नहीं होगा। इवन मेरे ऐप से ऑर्डर लिस्ट से इन्होंने वो ऑर्डर ही उड़ा दिया है पूरा। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगी कितने मेल्स आए थे मेरे को जब मैं पहले रिक्वेस्ट कर रही थी, कितने मैसेजेस आए थे मुझे ऑर्डर आपका जो है वो रिटर्न हो जाएगा, फिर कैंसिल का रिटर्न। मैं आपको नंबर तक दिखा सकती हूँ उस डिलीवरी बॉय का भी, अगर आप, मैं अगर नंबर नहीं दिखाऊंगी लेकिन मैं आपको मैसेजेस दिखा सकती हूँ कि मैंने उसको मैसेजेस किए थे कि भैया इसे रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो, उन्होंने क्या रिप्लाई किया है मुझे। उसके बाद मेरे को बहुत सारे कॉल्स भी आए, पता नहीं ईकॉम एक्सप्रेस की तरफ से आए या किस तरफ से आए थे कि आपने रिटर्न करा था, वो क्या हुआ, रिटर्न क्यों नहीं हुआ, आप मना कर रहे हो डिलीवरी बॉय को। बल्कि मैंने डिलीवरी बॉय को मना नहीं करा और ये इस तरीके से फटी चिट्टी मेरे को पूरी गंदी सी साड़ी, देख रहे हो इतनी गंदी चीज़ रिसीव हुई है, इससे स्मेल आ रही है और ये गंदी कितनी है देखो, सिर्फ फटी चिट्टी नहीं है, गंदी कितनी ज़्यादा है, बहुत ख़राब है ये। और मैं अब मीशो से कभी भी ऑर्डर नहीं करने वाली, डिलीट करने वाली हूँ मैं तो ऐप, क्योंकि मैं पक चुकी हूँ, बहुत ही ख़राब ऐप है। पहले मैंने जब हॉल वीडियोस बनाई थी तो मुझे स्पॉन्सर आई थी, और मैंने जब स्पॉन्सर की जितनी चीज़ें ऑर्डर करी थी मुझे ऐसा लगा था कि ये सारी चीज़ें अब ठीक है, अब मीशो ठीक हो गया, फ्रॉड नहीं होता है। लेकिन मीशो ऐप से मेरे को अब पता चला कि ये खुद भी फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर उड़ा कोई सकता नहीं है, सिर्फ मीशो ऐप ही उड़ा सकता है किसी का ऑर्डर। अगर कोई कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, रिटर्न डाल रहा है, उसकी प्रॉब्लम चल रही है, तो पूरा ऑर्डर को डिलीट करना मीशो के हाथ में ही है और उन्होंने वो किया है। तो बहुत ही खराब लगा गाइस मुझे बहुत। मैं आपको यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगी। हेलो निशा, मैं आपका स्वागत है, मेरा नाम निशा है जी, बताइए मुझे आपकी कैसी मदद कर पाऊंगी आज इस कॉल पे। एक्चुअली मैंने मीशो से ना एक कुर्ता सेट ऑर्डर किया था जो कि था 531 रुपीज़ का, एंड उसकी जगह पे मुझे ना एक फटी चिटी सी साड़ी रिसीव हुई थी, एंड उसको मैंने रिटर्न किया, काफ़ी बार कैंसिल हो गया और एक बार आया भी था डिलीवरी बॉय लेने के लिए, बट उसको मैंने दिया और उसने पिकअप, मेरे को कोई स्लिप वगैरह नहीं दी और उसके बाद वो मेरे को वापस पार्सल दे गया। अभी मैं उसमें बहुत सारी रिटर्न रिक्वेस्ट डाल रही हूँ, बार बार कैंसिल हो जा रहा है और मेरे से कोई डिलीवरी बॉय पूछ भी नहीं रहा है कि लेना आना है या नहीं, और मेरे को जा रहे हैं कि कैंसिल हो गया। और अब मेरे ऐप में वो प्रोडक्ट भी शो नहीं हो रहा, वो ऑर्डर तक शो नहीं हो रहा है कि मैंने ऑर्डर कुछ किया था। मैं मतलब अब कॉल भी नहीं कर सकती आप लोगों को, चेक कर लेते हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत हैं, तो आपकी पूरी मदद की जाएगी। okay. रिक्वेस्ट है कि लाइन पे डिटेल चेक की जाए। 360 का आपने ऑर्डर किया था राइट, ये प्रोडक्ट है क्या? नहीं, 531 रुपीस का है ऑर्डर से मुझे करना पड़ा, बिकॉज मेरे ऑर्डर में वो वाला ऑर्डर दिखा नहीं रहा जिसके रिगार्डिंग मैं आपको कॉल कर रही हूँ, वो मेरे ऐप से ही उड़ा दिया है आप लोगों ने, ऑर्डर ही पूरा उड़ा दिया है कि मतलब मैं कॉल तक ना कर पाऊँ आप लोगों को। हाँ जी, और लेकिन उससे रिलेटेड मुझे काफी मैसेजेस आए हैं वो मैं बता सकती हूँ। इसी नंबर से किया है मैंने ऑर्डर, लेकिन अभी तक आ रहा था, आज दोपहर 3 बजे तक आ रहा था जब मैंने लास्ट कॉल किया था, उसके बाद उड़ा दिया गया है मेरे ऐप से उस ऑर्डर को, वो मीशो के थ्रू ही हुआ है। डिलीट होती है, हम तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारे ऐप में तो ये वाला है ही नहीं फीचर कि हम डिलीट, द्वारा भी नहीं हो पाता है, आपके द्वारा ही डिलीट किया गया है मैडम। हम मैं आपको बता देती हूँ, रिटर्न पिकअप फॉर जीविका सुबेर विल बी डन बाय 15 मार्च। इस तरीके से मुझे आज भी 333 पे मैसेजेस आए हैं मेरे को, बहुत सारे वो भी आए हैं, OTPs आए हैं, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, मेरे पास सारी डिटेल्स है, बस मेरे ऐप से उड़ा दिया है आप लोगों ने कि मैं कॉल ना कर पाऊँ और आप लोग फ्रॉड करना चाह रहे हो, रिटर्न नहीं करना चाह रहे। मीशो एप्लीकेशन शो कर रहा है, लेकिन उस ऑर्डर्स में जाके जिस ऑर्डर के रिगार्डिंग मैं कंप्लेन कर रही हूँ इतने दिनों से कम 14 या 15 दिन हो गए मेरे को ये करते हुए, और उसमें आज वो वाला ऑर्डर तक उड़ा दिया गया है क्योंकि मैं कॉल ना करूँ, क्योंकि मैं बहुत कॉल एंड मैसेजेस कर रही थी आप लोगों को कि मेरी ये कंप्लेन करो, अब मेरे वो ऑर्डर तक शो नहीं हो रहा है। ऑर्डर आईडी बताइए। ऑर्डर आईडी, मैंने स्क्रीनशॉट भी ले रखा था। हाँ, आपके नंबर से मुझे, आपने बताया कि बिल्कुल पार्टी वाले सारे डिलीवर दी राइट। हाँ जी, आपको एक कुर्ता डिलीवर हुआ ही नहीं है राइट। हाँ हाँ,
नॉन प्रोडक्ट है उसे गार्बेज बॉक्स कहा जाता है, तो अरे तो उसमें मैं क्या करूँगी। एक बार बताइए, जिस दिन मेरे को पिकअप हुआ है उसी दिन मैंने रिटर्न डाल दिया है, उसके बाद मेरे को जो गलत चीज़ रिसीव हो रही है, इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं। इवन जब एक बार पार्सल भी ये ले गया है ना डिलीवरी बॉय मेरा, उसके बाद मेरे को वापस दे गया किसी दूसरी पन्नी में डाल के। तो ये आपकी टीम ने नहीं किया ना, मैंने तो फर्स्ट डे पे ही जिस दिन मेरे को रिसीव हुआ उसी दिन मैंने कंप्लेन किया ना। रिटर्न नहीं किया जाता है, आपने रिटर्न की रिक्वेस्ट की है। क्या एक्सचेंज की रिक्वेस्ट की है ना आपने? हाँ जी की थी फर्स्ट टाइम पे। वो तो मैंने उसी दिन करवा दिया था, पहले तो मैंने रिटर्न एक्सचेंज का करवाया, फिर उन्होंने बोला कि मैम नहीं हो रहा है, आप दोबारा से रिक्वेस्ट डाली डिलीवरी बॉय ने, तब मैंने रिटर्न करवाया आपकी कंपनी से बोल के। अब आप लोग बोल रहे हैं कि ये हुआ ही नहीं है। हाँ तो वो गार्बेज आप लोगों ने सेंड किया है तो आप वापस नहीं लोगे क्या? तो मैंने तो किया था, आप लोगों ने तो ये मेरे को वन डे पे बताया नहीं, मैंने तो आपको 10 मिनट में ही बोल दिया था। लेकिन उसके बाद भी मैंने 15 दिन से मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ, रोज 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 मेरे को कोई कुछ बता ही नहीं रहा है कि गार्बेज है मैम इसके लिए ये करो। 15 दिन से बोल रही हूँ मैं तो, कंप्लेन कर रही हूँ कि फटी चिटी सारी रिसीव हुई है, इसको रिटर्न करवाइए। इवन फर्स्ट डे पे जब मेरे को रिसीव हुआ तब भी मैं ये कंप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को। अब आप लोग क्या हाँ तो ये मैंने फर्स्ट डे पे भी बोला था, अब आपको उस दिन पे आपके स्टाफ को बताना चाहिए ना कि गार्बेज है इसके लिए कंप्लेन करना पड़ेगा। मेरे को ये चीज़ तो किसी ने बोली नहीं, मेरे को बोला मैम रिटर्न हो जाएगा, रिक्वेस्ट आपकी डाल दी गई है, हो जाएगा, बस ये बोल के खत्म कर दिया। समझ गई वो तो मैं, तो कर तो दिया, आप लोगों ने नहीं बताया ना। काफ़ी सारी कंप्लेंट्स की गई, कुछ भी मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, कुछ भी सोल्यूशन इन्होंने नहीं दिया। ऊपर से ये इन दी एंड आके 14-15 दिन बाद मुझे ये चीज़ बोल रहे हैं कि आपका जो है टाइमलाइन ख़त्म हो गया है, साथ में साथ आपने गार्बेज का हमें ये नहीं बताया कि गार्बेज है। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये गार्बेज आप लोग लेते नहीं हो, देने के बाद आप लोग फ्रॉड करते हो, मुझे नहीं पता था ये वाली बात। मैंने इनको बोला तो इन्होंने बोला कि आपको 4 डेज़ के अंदर बताना था, और मैंने इनको अच्छे से बताया था कि मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ रिसीव हुई है और मेरे को ये रिटर्न करनी है, वो भी मैंने फर्स्ट डे जिस दिन मुझे रिसीव हुआ उसी के 10 मिनट के अंदर बताया था, पर इन्होंने नहीं किया। तो गाइस मेरे साथ तो इतना गंदा फ्रॉड हो गया है, आप लोग कुछ करो जिससे मुझे कुछ, अगर कोई सजेशन है तो बताओ। और हाँ गाइस, इस बार ये नहीं हुआ है कि मैंने ऑर्डर नंबर चेक नहीं किया, ऑर्डर नंबर चेक किया है, ऑर्डर नंबर भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस मेरे साथ स्कैम सप्लायर की तरफ से और मीशो ऐप की तरफ से हुआ है, क्योंकि मीशो ऐप ने ऑर्डर नंबर जो है मेरा ऑर्डर जो है वो पूरा डिलीट कर दिया है ताकि मैं कॉल करूँ कोई। और अब ये भी कह रहे हैं साथ में कि ऐसा तो कोई ऑर्डर ही नहीं है। तो गाइज मेरे पास तो सारा प्रूफ है, मैसेजेस आए हैं जो मुझे, मेरे पास मेल आया है जो कंप्लेन का, सारी चीज़ों का मेरे पास मेल है, मैसेजेस है, डिलीवरी बॉय का नंबर है, सब कुछ है। ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं मीशो और सप्लायर की तरफ से, तो मैं तो अब मेरे को नहीं लगता ये करेंगे, लेकिन आप लोगों को अगर कुछ आइडिया हो तो आप लोग मुझे बताना, और अगर आपके साथ भी कुछ हुआ है तो आप लोग कॉल करो जितना हो सकता है, और ऑर्डर नंबर चेक करके लिया करो अगर आप लोग लेते हो तो। वैसे तो ऑर्डर नंबर चेक करने के बाद भी इस तरह का चीज़ें मिलता है, उसके बाद रिटर्न नहीं होता है, और कहते हैं कि आपने कॉल नहीं किया, जबकि कॉल मैंने तुरंत ही किया था, और गार्बेज बोल के गार्बेज दे देते हैं। बहुत ज़्यादा बुरा लगा मुझे, आज तक मेरे को लगता था कि अच्छी चीज़ें आती हैं, कभी बुरी चीज़ें आती हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें करने के बाद वो ऑर्डर लिस्ट से ऑर्डर डिलीट कर देते हैं अपनी कंपनी की तरफ से, तो वो बहुत ही घटिया चीज़ थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर आप लोगों के साथ हुआ है तो आप भी कुछ कोशिश करो, और अगर नहीं हो रहा है तो मत करो, ऑर्डर ही मत करो। तो आज के लिए इतना ही गाइस, चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करो जिनके साथ होता है, और जिनके साथ नहीं होता जो मीशो यूज़ करते हैं ना उनके साथ भी करो, ताकि उनको इन्फॉर्म हो जाए ये सारी चीज़ें कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं और वो थोड़ा ध्यान से करें। तो आज के लिए इतना ही, शेयर ज़रूर करना गाइस, एंड बस मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुना चुकी हूँ, आपने देखा उन्होंने क्या क्या मुझे बोला है। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं कोशिश अब नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने ऑर्डर ही डिलीट कर दिया है।
मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं तो कहूँगी प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को जितना हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मैं अब ट्राई भी नहीं कर सकती, ये रिटर्न नहीं होगा, ना मेरे पैसे वापस आएंगे ना कुछ होगा। और इसका क्या करूँ मैं, ये कितना घटिया है देखो, इससे स्मेल आ रही है, इसे अब फेंकने के अलावा और कुछ नहीं रहा है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, शेयर करना, सपोर्ट करना मुझे, और बाय, लव यू।